बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना कार्यालय ग्रामीण द्वारा मंगलवार को समेकित बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मेला का आयोजन किया गया। पोषण मेला में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के तौर तरीकों के बारे में व्यापक जानकारियां दी गयी। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, ICDS पदाधिकारी अर्चना कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए उन्हें किस तरह का आहार देना है, इसमें प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई है। खासकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी और मोटा अनाज के व्यंजन को प्राथमिकता के रूप में अवश्य लेना चाहिए। मौके पर 7 माह की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उनका मनोबल बढ़ते हुए खान पान पर ध्यान देने की बात कही गई। इस मौके पर बिहार शरीफ की ग्रामीण CDPO पूनम कुमारी ने बताया कि कहा कि कुपोषण के खिलाफ जंग जारी है और आने वाले दिनों में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस पर निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। मौके पर महिला पर्यवेक्षक का नीलू कुमारी, सुलोचना कुमारी, अमिता कुमारी, आभा कुमारी के अलावा कई लोग मौजूद थे। आयोजित किया गया हमारा 7वां पोषण माह है बिहार शरीफ ग्रामीण परियोजना में। हम लोग उसको प्रत्येक वर्ष सितंबर में मेला लगाए, जागरूकता के लिए कि लोग जाने कि बच्चों को हमको कुपोषण से कैसे बचाना है। 6 माह का बच्चा हो गया तो उसको खाने की शुरुआत करनी है तो कैसा खाना हम देंगे और ठोस खाना देना है, यही सब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं बच्चों के खाने की चीजें। फिर मिलेट्स भी है हमारा एक सेशन, मिलेट्स का है। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, श्री अन्न जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने नाम दिया। कई तरह के अलग अलग तरह के इनोवेटिव रेसिपीज बनाए हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए हैं जो आमतौर पर कॉमनली यूज नहीं होता है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए कि लोगों अपने खाने में मिलेट्स को थोड़ा बढ़ाए, कैल्शियम आयरन सभी से भरपूर होता है। 6 माह का बच्चा है तो उसका बच्चा जब स्वस्थ है।